प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं, कुछ दिनों में मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों का चुनाव भी करेंगे, जिसको लेकर लखनऊ के एक निजी संस्थान की तरफ से मेरा यूपी मेरा गौरव थीम पर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 7 गाड़ियों को प्रदेश के अधिकांश जिलों में रवाना किया गया जो मतदाताओं को जागरूक करने के काम करने वाले हैं, जिसे हरी झंडी दिखाने का जिम्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल को दी गई थी, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। जहां सभी राजनीतिक दल प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं टीओआई की तरफ से एक पहल रखी गई है। वो पहल ये है कि मतदाता जागरूकता अभियान, इसी मुद्दे पे खास बातचीत के लिए नवनीत सहगल सर हमारे साथ हैं। सर, इस इवेंट में आके आपको कैसा लग रहा है और कहां तक ये कारगर साबित होगा मतदाता जागरूकता अभियान? देखिए, हम सबको, जो जितने अपने साथी हैं, साथी नागरिक हैं, सबको प्रेरित करना चाहिए कि आप घर से निकलिए, निकल के वोट करके आइए। ये आपका एक संवैधानिक दायित्व है, एक नागरिक के रूप में आपका सामाजिक दायित्व भी है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट का इस्तेमाल करें, जो भी आपके मन में है, जिस भी उम्मीदवार को आप देना चाहें दें, लेकिन आप इस्तेमाल करें, आप उस वोट का प्रयोग करें, निकलिए, वोट का प्रयोग करिए। और जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको चलाया है, इस अभियान को, कि आपको अपने शहर पे, अपने प्रदेश पे गर्व होना चाहिए, आपको अपने शहर प्रदेश पे गर्व है तो निकलिए, वोट करिए। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है एक समाचार पत्र समूह द्वारा और ये रेडियो मिर्ची द्वारा, एक बहुत ही एफर्ट, अच्छा एफर्ट किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो वोट का प्रतिशत है वो लखनऊ जैसे शहर में भी 60% से बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो लोगों को ये प्रेरित करना कि आपको अगर अपने अपने प्रदेश पे गर्व है, आपको अपने प्रदेश की तरक्की पर गर्व है, तो आप जाइए, जाकर वोट करिए। वोट करना एक आपका संवैधानिक दायित्व है, आपको एक नागरिक की तरह से आपको एक दायित्व है आपके ऊपर। आप जाइए, अपना जो भी आपको सेलेक्ट करना है, आप अपना उम्मीदवार उसको सेलेक्ट करिए और वोट करिए। वोट करना के लिए लोगों को जागरूक करना एक अच्छा प्रयास है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, अपना वोट का मताधिकार का उपयोग करें। उसी के क्रम में ये एक अभियान चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा अभियान है। कैसा लग रहा आपको यहाँ पे आके कि ये इवेंट कहाँ तक कारगर साबित होगा? नहीं, अच्छा होगा, ये सब प्रचार में जाएगा, लोगों को प्रेरित करेगा कि भाई आप निकलिए, जाकर अपना वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे साथ मौजूद थे नवनीत सहगल सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आप वोट करिए और इस लोकतंत्र के पर्व को मनाइए। कैमरामैन दीपक। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं एक मुहिम टीओआई और मिर्ची ग्रुप की तरफ से चलाया जा रहा है। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए और पूरी जानकारी के लिए यूपी और बिहार कंटेंट हेड आफ्ताब आलम जी। आफ्ताब जी, ये हमें बताएं कि आज कितनी गाड़ियां निकली और किस उद्देश्य से निकली हैं? देखिए, आज जो हमने यहां से गाड़ी जो फ्लैग ऑफ किया है, 7 कैंटर्स हैं जो कि यहां से निकली हैं और लखनऊ से ये गाड़ियां हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी उत्तर प्रदेश के, और वहाँ पर हमारा मकसद है कि हम पहले लोगों को ये समझाएं कि हमें अपने प्रदेश पर गर्व होना चाहिए। इसीलिए हमारे जो कैंपेन नेम है मेरा यूपी मेरा गौरव, इसको हमने आगे बढ़ाया है और वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके नागरिकों को जागरूक करेगी, उनको उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड लाएगी, ताकि लोग वोट देने के लिए निकलें। और इसका मकसद बेसिकली मेरा यूपी मेरा गौरव का ये है कि पहले तो आप अपने प्रदेश पे गौरव महसूस करें। जब आप अपने प्रदेश पे गौरव महसूस करेंगे तो आप वोट देने के लिए निकलेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपका अपना प्रदेश है। ठीक उसी तरह से जैसे आप अपने घर से बहुत प्यार करते हैं या घर पे आपको बहुत फ़ख्र होता है, तो आप हर छोटी चीज़ में अपनी हिस्सेदारी समझते हैं। उसी हिस्सेदारी को समझाने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया है मेरा यूपी मेरा गौरव, जिसमें लोग पहले तो यूपी की जो भी संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, जो भी खान पान है, यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई सड़कें हैं, जो भी चीज़ें हमें यहाँ जो खुशहाली है उसको हम महसूस करें। क्योंकि जब आप यूपी को अपना घर समझेंगे और पहले गौरव महसूस करेंगे तो अपना दायित्व भी निभाने के लिए निकलेंगे। यही मकसद इस कैंपेन का है, ताकि लोग जाएं और वोट दें, क्योंकि वोट का प्रतिशत आज की डेट में बहुत कम है और लखनऊ जैसे शहर में भी बहुत कम वोट की प्रतिशत होती है। जिस तरह से इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब की बार 70 पार, तो हम तो चाहते हैं कि भाई 90 पार हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और वोट के लिए निकलें और एक सशक्त और मजबूत सरकार हमें मिले। साथ में हर नागरिक इस वोट को देकर अपने आप में फख्र महसूस करे कि उसने अपना दायित्व निभाया है, क्योंकि जब आप इस दायित्व से शुरुआत करेंगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इस कंट्री के लिए और इस सिटी के लिए, इस स्टेट के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि आप महसूस कर पाएंगे कि आपने
उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है और वोट सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप अगर नागरिक हैं तो नागरिक होने का कर्तव्य ये है कि आप वोट के लिए निकलें, तो इसी मकसद से हमने मेरा ये बताया। जो यहाँ से गाड़ियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है, ये किन किन जिलों में जाएंगी और क्या वहाँ पे प्रोग्राम किया जाएगा मिर्ची की तरफ से? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो गाड़ियाँ हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी, यूपी की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये जाएंगी और ये 8-10 का दिनों का कार्यक्रम है, वो सभी जगह जाएंगी। जैसा कि आपने देखा कि कैंटर में हमारा ये लोगो लगा हुआ है, साथ में उसमें एक टीवी सेट भी लगा हुआ होगा जिसमें कि हम यूपी के बारे में उनको बताएंगे और गर्व महसूस कराएंगे। साथ में जो हमारे एंकर भी साथ में जा रहे हैं उसमें, और वो एंकर जाकर लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप यूपी पे किस बात पे गर्व करते हैं, साथ में उनको ये महसूस दिलाएंगे कि उनका कर्तव्य क्या है, वो वोट देने के लिए निकलें क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो एक अच्छी सरकार आप दे पाएंगे। तो एक इंटरेक्शन भी वहाँ पर होने वाला है, जो भी हॉटस्पॉट होगा जिस जिस शहर में वो जाएंगे उस शहर में वो हॉटस्पॉट पर जाकर लोगों से बात करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, उनको उनका उत्साह बढ़ाएंगे, उनके अंदर ये भावना डालेंगे कि वो वोट देने के लिए जाएं। यही मकसद हमारा है। वो सब जगह से घूमकर वापस ये कैंटर जो है वो लखनऊ में आएगी। तो मेरे साथ थे यूपी और बिहार के कंटेंट हेड आफ्ताब आलम जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये गाड़ियाँ और ये जो मुहिम चलाई गई है ये ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो इसके लिए ही। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।